हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है और कई सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके पूछा है कि आप बताइए कि जो एडीबी डाइक पोर्ट है वो क्या है और किस काम में आता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एडीबी डाइक पोर्ट के बारे में और कूल क्रोम सीपीयू के बारे में। और दूसरी, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन का, जैसे मान के चलिए सैमसंग, लावा, कार्बन, नोकिया, कोई भी अगर स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन में अगर वायरस फंसा हुआ है और कस्टमर आपको कह रहा है कि ये मोबाइल जो है हैंग कर रहा है, तो आप उस मोबाइल को बिना फॉर्मेट किए और बिना कुछ किए जी आप उसका जो है वायरस किस तरह से आसानी से आप अपने मेडिकल बॉक्स से निकाल सकते हैं, इस वीडियो में उसके बारे में बताने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ। और डाइक पोर्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप डाइक पोर्ट को इनेबल कर सकते हैं और किस तरह से जो आप डाइक पोर्ट का यूज कर सकते हैं और डाइक पोर्ट किस किस काम में आता है और इसका क्या यूज है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आप अपने मेडिकल टूल में जब आप एंड्रॉयड टूल को जब आप क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड टूल में आप दो तरह का ऑप्शन देखेंगे, एक होता है एडीबी, दूसरा होता है फास्ट बूट। ठीक है, तो फास्ट बूट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि फास्ट बूट क्या होता है और फास्ट बूट मोबाइल में जो है कैसे लाया जाता है। तो दोस्तों, आप जानवे करते हैं कि फास्ट बूट जो है वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम पावर का बटन जो है एक साथ प्रेस करने पर जो है फास्ट बूट मोड वहाँ पे जो ऑप्शन आता है वहाँ से आप फास्ट बूट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि एडीबी मोड के बारे में। तो एडीबी डाइक कोड आज हम देखते हैं कूलकॉम एडीबी डाइक कोड। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि एडीबी डाइक कोड को इनेबल किया जाता है उस वक्त जिस वक्त आपको किसी भी कूलकॉम सीपीयू में आईएमआई रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो उस वक्त आपको एडीबी डाइक कोड इनेबल करना होता है। और मान के चलिए कि किसी फोन का अगर आपको मतलब रिस्टोर करना है या मान के चलिए उसको जीमेल आईडी रीड करना है तो उसके लिए आपको डाइक कोड इनेबल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बिना डाइक कोड इनेबल किए ही आप यहाँ पे मेरी कूल टूल से आप उसके मोबाइल का जो है वायरस निकाल सकते हैं, क्योंकि मान के चलिए उसके मोबाइल में वायरस है, उसका मोबाइल तो अपडेट नहीं है, उसका मोबाइल तो ऑन हालत में है और उसके मोबाइल पर आप जाकर के उसके सिस्टम में जाकर के आप उसके सेटिंग में जाकर के आप उसका डाइक कोड आप वहाँ पे वहाँ से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो मोबाइल में जाकर के उसका जो डाइक कोड जो है ऑन कर सकते हैं और नॉर्मली काम आप जो है कर सकते हैं इस मेडिकल टूल से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मोबाइल FRP लॉक के हालत में है तो आप उसका डाइक कोड इनेबल कर सकते हैं आप। ठीक है, मेडिकल टूल से। और मान के चलिए उसका मोबाइल अगर ऑन है और कोई लॉक नहीं है उसके मोबाइल में, कोई भी जो पासवर्ड नहीं है, कोई FRP नहीं है, तो उसका जो ADB मोड है आप डायरेक्टली उसके मोबाइल के सिस्टम में जाकर के जो है उसका जो डाइक कोड आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप उसका जो डाइक कोड है कैसे जो उसे ऑन करेंगे, उसके बाद अपने मेडिकल टूल से आप उसे बूट करेंगे। ठीक है, और डाइक कोड अगर आपको इनेबल करना होगा IMI रिपेयर करने के लिए तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से डाइक कोड इनेबल किया जाता है IMI रिपेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल पर और आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरह से जो हमें जो है डाइक कोड ADB डाइक कोड जो उसे हमें इनेबल करना है और उसके बाद हमें अपने मेडिकल टूल से जो है कनेक्ट करना है और मेडिकल टूल से कैसे हमें जो है डाइक कोड इनेबल करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम चलते हैं मोबाइल पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, डाइक कोड इनेबल करने के लिए जो हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में हमें क्लिक करने के बाद आप वहां पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे सबसे नीचे में आपको जब स्क्रॉल करेंगे आप ऊपर करेंगे सबसे ऊपर तो नीचे में सबसे नीचे में आपको दिखेगा यहां पे अबाउट। ठीक है, तो अबाउट ये डेवलपर आप देख रहे हैं दोस्तों, डेवलपर जो उसमें जो अंदर में जो छुपा हुआ रहता है इसे हमने बाहर निकाल दिया है। इसे आपको कैसे निकालना है डेवलपर को आपको बाहर, तो मैं आपको दिखा दूं। तो जैसे आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्ड नंबर। ठीक है, तो बिल्ड नंबर पर आपको 6 से 7 बार आपको क्लिक करना होता है क्योंकि जो डेवलपर होता है वो बिल्ड नंबर के अंदर में छुपा हुआ होता है। ठीक है, और इसे बाहर निकालने के लिए डेवलपर को हमें जो है बिल्ड नंबर पर किसी भी मोबाइल पर किसी भी एंड्रॉइड फोन पर हमें बिल्ड नंबर पर 6 से 7 बार क्लिक करना पड़ता है तो हमारा जो डेवलपर है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, बिल्ड नंबर से ये बाहर आता है। तो जब हम डेवलपर को जब ओपन करेंगे तो ठीक है, तो डेवलपर को जब हम ओपन करेंगे दोस्तों, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो है USB डाइक पोर्ट का जो एक ऑप्शन है और इसे जो इसका जो स्विच हमें ऑन कर देना है। तो इसका स्विच मैंने पहले से ऑन कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो इसका स्विच मैंने ऑन कर रखा है दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं ये स्विच जो है मैंने ऐसे ऑन कर रखा है। तो आप किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर जो है इसका स्विच ऑन कर देंगे। ठीक है, डेवलपर को आपको बाहर निकालना है और आपको जो है ये स्विच जो है आपको
ऑन कर देना है, और ये स्विच को ऑन करने के बाद आपके डिवाइस मैनेजर में जो है ऑटोमेटिकली इसका ड्राइवर लेगा, और जब आपके डिवाइस मैनेजर में जब ये ड्राइवर ले लेगा इस तरह से दिखा देगा आपको यहाँ पे कूल कम, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो क्या करना है कि अपने जो है एंड्रॉइड टूल पर जाना है, अपने मेडिकल के जो एंड्रॉइड टूल पर आपको जाना है और वहां पे आपको इन्फो चेक कर लेना है। तो दोस्तों इन्फो चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि अभी कि मैंने आपको दिखाया कि मोबाइल पर किस तरह से जो हम डेवलपर को ऑन करते हैं और उसका जो यूएसबी जो डायक पोर्ट है उसे हम कैसे इनेबल करते हैं, ठीक है, और कैसे वहां से हम ऑन करते हैं उसका स्विच ऑन करते हैं, तो वो आपने देखा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन्फो चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमें IMI रिपेयर करना होगा तो IMI रिपेयर करने से पहले हमें जो उसका जो है डायक पोर्ट जो है इनेबल करना होगा मेडिकल टूल से। तो मेडिकल टूल से कैसे हम इनेबल करेंगे तो ये मैं आपको पहले दिखा दूं, फिर बाद में आपको दिखाऊंगा कि किसी भी स्मार्टफोन का जो वायरस है हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेडिकल टूल से कूलकम CPU का जो है डायक पोर्ट इनेबल करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको मोबाइल में दिखाया, पहले आपको मोबाइल में डेवलपर को जो है आपको डेवलपर के अंदर में जाकर के आपको जो है स्विच ऑन कर देना है, और उस तरह के बाद उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आप डिवाइस मैनेजर में देख लेंगे कि आपका जो यहाँ पे जो है आपका जो कूलकम का जो ड्राइवर होगा वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए और आपके डिवाइस मैनेजर में जो है ड्राइवर यहाँ पे दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अपने मेडिकल टूल को जो है ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मेडिकल टूल ओपन करने के बाद आपको चले जाना है कूलकॉम टूल में, ठीक है। तो कूलकॉम टूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार तरह का जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों अनलॉक रिपेयर फ्लैशिंग रिप्लेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिपेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं इनेबल डायक पोर्ट, और अनलॉक पर आप देख सकते हैं दोस्तों रीड इनफो डायक पोर्ट और फास्ट बूट ये सब का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ रिपेयर पर आप देख रहे हैं इनेबल डायक पोर्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है रिपेयर में क्लिक कर देना है और इनेबल डायक पोर्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको पोर्ट पर जो आपके डिवाइस मैनेजर जो वहाँ पे आपके जो डिवाइस मैनेजर में जो ड्राइवर वहाँ पे शो कर रहा है वो ड्राइवर को आपको यहाँ पोर्ट में आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इनेबल डायक पोर्ट पर आपका टिक लगा हुआ होना चाहिए, उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल का जो डायक पोर्ट है वो इनेबल होगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप इस तरह से डायक पोर्ट आपको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों किसी भी कूलकॉम CPU का IMI आप रिपेयर करने के लिए पहले आपको जो डायक पोर्ट इनेबल करना पड़ता है, इस तरह से आपको डायक पोर्ट इनेबल करना होगा, उसके बाद आप उसका IMI रिपेयर कर सकते हैं। तो IMI रिपेयर करने के लिए आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से आप किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन का जो है वायरस आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वापस हम अपने एंड्रॉइड टूल पर, मेडिकल के एंड्रॉइड टूल पर, और यहाँ पर जो है हमें क्या करना है कि हमें जो यहाँ पे ADB पे जो क्लिक कर देना है, उसके बाद रीड इनफो पर हमें जो है टिक लगा देना है, चेक लगा देना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी मोबाइल पर दिखाया था किस तरह से वहाँ पे जो है डेवलपर ऑप्शन में जाकर के हमें जो वहाँ पे डायरेक्ट पोर्ट का जो है स्विच जो है ऑन करना होता है, तो उस तरह से हमें ऑन कर देना है और USB डाटा केबल लगा देना है, और लगाने के बाद जो अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है उसके बाद इसका जो इनफो हमें पहले यहाँ पे चेक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे हम इन्फो पर टीलर के स्टार बटन पर क्लिक करेंगे अपने मेडिकल टूल में तो हमारे मोबाइल का जो इन्फो यहाँ पे दिखा देगा ADP मोड पे, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने स्टार बटन पर क्लिक किया यहाँ पे जो इन्फो दिखा चुका है, हमने जो यहाँ सैमसंग J200G मोबाइल लगाया है और इसका इन्फो यहाँ पे दिखा चुका है। उसके बाद वायरस निकालने के लिए दोस्तों हमें चले जाना है यहाँ पे AV पर, जैसे हम यहाँ पे AV पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो सारे जो है टिक लगे हुए हैं, ठीक है। गेट पैकेज लिस्ट पे टिक लगा हुआ है, बाकी सब पे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ठीक है। इन सबको हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है, और जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस मोबाइल में जितनी भी वायरस होगी वो सारी की सारी जो यहाँ पे लिस्ट में जो यहाँ पे ऊपर में दिखाएगी, ठीक है। तो जो भी वायरस होगा तो वो जो रेड कलर की शक्ल में जो यहाँ पे दिखाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो दिखा रहा है यहाँ पे रेड कलर में ये वायरस है, ठीक है। इस फोन में ये जो वायरस है इस वायरस को हमें निकालना है, रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सबसे नीचे में आप यहाँ पे देखेंगे कि रिमूव सिलेक्टेड पैकेज, यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे चेक लगा देना है, टिक लगा देना है दोस्तों, और उसके बाद हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, और जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे इस फोन में जितनी भी वायरस होगी वो सारी की सारी जो है रिमूव हो जाएगी इस फोन से, उसका जो वायरस है वो निकल जाएगा, ठीक है। और ये फोन जो है हैंग करना बंद कर देगा, ठीक है, ये फोन जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी फोन का जो है आसानी से वायरस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो भी खत्म नहीं हुआ, और इसमें आपको मैं दोबारा भी फिर इस फोन को वायरस से इसका रिमूव करने के बाद मैं आपको फिर से दोबारा आपको स्कैन करके दिखाता हूँ कि इसमें जो वायरस था वो रिमूव हुआ या नहीं। तो चलिए दोस्तों दोबारा स्कैन करके हम इस फोन को देख लेते हैं कि इस फोन के अंदर में जो वायरस था वो वायरस जो है इससे रिमूव हुआ या नहीं, इस फोन से जो वायरस है वो खत्म हुआ या नहीं।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस फोन में अब जो है कोई वायरस नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन को दोस्तों उसका वायरस आसानी से निकाल सकते हैं बिना फॉर्मेट किए और बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।